के हेल्प से होता है। तो कल आप लोग को बताए थे ब्लड के बारे में, तो ब्लड का अगर कंपोजिशन कहता है तो ब्लड के कंपोजिशन में RBC, WBC और प्लेटलेट, ये सब कल हम बता दिए थे प्लेटलेट्स। अब इसमें बताए थे कि RBC का रंग रेड होने का कारण ये है हीमोग्लोबिन। RBC किसको वजह से रेड होता है, तो हीमोग्लोबिन की वजह से रेड होता है। और RBC की वजह से ही हमारे बॉडी में चुस्ती फुर्ती बनी हुई रहती है, क्योंकि इसमें बॉडी इसमें और हीमोग्लोबिन में क्या प्रेजेंट रहता है, आयरन प्रेजेंट रहता है। तो अगर आपको आलस आ रहा है, नींद लग रही है, आधे घंटे पढ़ने के बाद आपको बहुत ज़्यादा नींद आलस घेर ले रहा है, तो मतलब आपके बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी है, आयरन की कमी है। तो इसके लिए क्या चीज़, फल फ्रूट्स वगैरह खाइए, आयरन की मात्रा बढ़ाइए, सही हो जाएगा। उसके बाद बीमारियों से रक्षा करने का काम क्या करता है, WBC। और ये हम संख्या भी बताते हैं, बीमारियों से रक्षा करने का काम कौन करेगा, WBC। इनकी संख्या कितनी होती है, 10,000। इनकी संख्या कितनी होती है, 10,000। 8 से 10,000 एक ह्यूमन बॉडी में होना चाहिए। दूसरी चीज़ कि अब इसमें दो नाम बताए थे, तीन नाम इसमें बताए थे, एंटीबॉडी और उसके बाद लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। बोले थे कि पूरे WBC में जो यही तीनों मेन काम करते हैं। एंटीबॉडी क्या करता है, बीमारियों को पहचान करने का काम करता है, लिम्फोसाइट बीमारियों को मारने का काम करता है, और मोनोसाइट उसको साफ करने का काम, खाने पीने का काम वो करता है डेड बॉडी का, क्योंकि जो पड़ा रहेगा तो कचरा हो जाएगा वहाँ पे, ठीक। ये सब चीज़ें करता है WBC, हमारे बॉडी के रचनात्मक सैनिक इनको कहा जाता है। अब देखिए इसके बाद बताए थे प्लेटलेट्स हमारे बॉडी में कितना होना चाहिए, कम से कम 2 लाख के आसपास में होना चाहिए, 2 लाख के आसपास होना चाहिए हमारे बॉडी में। और प्लेटलेट्स की वजह से ही हमारे बॉडी में क्या बनता है, खून का थक्का बनता है, जो कि कहीं कट पिट जाता है तो ब्लड क्लॉटिंग में कौन, यही प्लेटलेट्स ही हेल्प करता है। और ये हमको क्या प्रदान करता है, शक्ति, ठीक, पोटेंशियल प्रदान करता है। तो इसीलिए कोई स्टूडेंट अगर चाहता है 8 से 10 घंटा 15 घंटा स्टडी करना, तो उसको स्टडी करने के लिए सबसे पहले इंटरनल चीज़ों को सही करना पड़ेगा। इसके लिए जाइए किसी डॉक्टर से जांच करा लीजिए इन तीनों का। अगर ये तीनों मेंटेन है तो आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि RBC आपको चुस्ती फुर्ती देगा, WBC बीमारियों से बचाएगा, और प्लेटलेट्स आपको पोटेंशियल क्षमता प्रदान करेगा, शक्ति प्रदान करेगा। तो तीनों सही होना चाहिए, ठीक है। कितना बढ़िया, अगर आपको ड्राइवर हैं, ठीक है, और कितना अच्छा आप ड्राइवर हैं, लेकिन खटारा गाड़ी दे दिया जाए तो चला नहीं पाएंगे आप, गाड़ी में गड़बड़ी रहेगी तब चला नहीं पाएंगे। पढ़ने का मन बहुत ज़्यादा है, 8 घंटा 10 घंटा 15 घंटा पढ़ना चाहते हैं, लेकिन आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि गाड़ी के इंटरनल पार्ट में, इंजन में कोनो गड़बड़ी है। तो उसी हिसाब से ह्यूमन भी है। तो आप जाइए पहले ब्लड का जाँच करें कि RBC, WBC और प्लेटलेट्स अपने अपने मात्रा में है या नहीं है। अगर है तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि नया गाड़ी रहेगा तो चलाने में कोई दिक्कत नहीं रहती है। अगर गाड़ी में कोई खराबी नहीं रहेगा तो ड्राइवर तनिक नौसिखिया रहेगा तब वो चला लेगा, समझ गए। तो उसी हिसाब से पढ़ाई भी होती है। कल ही समझा दिए थे, अब समझते हैं हम लोग। अब ब्लड जो फ्लो करता है तो इसमें हम लोग समझेंगे कि आर्टरीज और वेंस के बारे में, और कल हम लोग समझेंगे हार्ट बनाना सीखेंगे और समझेंगे भी कि कैसे क्या होता है। आज हम लोग आर्टरीज और वेंस के बारे में समझते हैं, समझिए। अब क्या होता है कि आर्टरी वेंस पे आने से पहले आप लोग को बता रहे हैं कि ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब जैसा होता क्या है कि कहीं कहीं देखे होंगे आप लोग, अगर मांस मछली की दुकान पर गए होंगे तो मुर्गा उर्गा काटने पर देखिए कि बहुत तेज़ी से खून फेंकता है। हम लोग का अगर कहीं नस वगैरह कोई काट लिया तो बहुत तेज़ी से खून फेंकता है, ठीक। लेकिन वहीं पर कहीं तेलचट्टा कोनो कीड़ा वड़ा के चल रहा है तो उस पर चढ़ जाइए तो खून नहीं निकलता है। तेलचट्टा का निकलता है तो सफ़ेद निकलता है, उसका तेज़ी से खून नहीं फेंकता है। मछली काटिए, उसका तेज़ी से खून नहीं फेंकता है। तो अब ये दर्शाता है कि धरती पे ऐसे भी जीव जंतु हैं जो कि जिनके अंदर का ब्लड सर्कुलेशन या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का अलग अलग ढांचा बना हुआ है, अलग अलग प्रकार का स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो हम लोगों में एक पाइप की तरह नली जाती है, उस नली का नाम है नस, और जिसको हम लोग आर्टरीज और वेंस के नाम से जानते हैं। तो जहाँ पाइप जाएगा और पाइप में प्रेशर ज़्यादा रहेगा तो जब काटोगे पानी रहेगा तो उसमें से पानी के फुहारा बहुत तेज़ प्रेशर की आवाज़ सुनाई देगी, ठीक। लेकिन जिसमें गैलन में रहेगा तो उसमें थोड़ी सुनाई देगा।
तो गैलन की तरह क्या हो जाता है, जैसे कि मान लीजिए कोई इंसेक्ट है, कॉकरोच हो गया, छोटे मोटे कीड़े फतिंगे हो गए, तो ये सब का देखिए ये सब क्या होता है, कंकाल ऊपर रहता है, बॉडी अंदर रहता है। वो बाहरी हिस्सा किस चीज़ का रहता है, तो बाहरी हिस्सा सबका सब कंकाल जो रहता है किस चीज़ का रहेगा, वो सबका सब हड्डी का रहता है, ठीक है, वो बोन का रहता है बाहरी हिस्सा, अंदर इसका ब्लड भरा रहता है। कॉकरोच को कभी ऐसे उठाएंगे तो उसका ब्लड नीचे आ जाएगा, फिर पलट देंगे ऐसे उल्टा के तो फिर उसका ब्लड नीचे आ जाएगा, तो उसका एकदम मतलब उसमें क्या चीज़ें नहीं होती हैं, तो उसमें नर्व्स नहीं पाए जाते हैं, उसमें वेसिकल नहीं पाए जाते हैं, वेसल्स नहीं पाए जाते हैं, वाहिकाएँ उसमें नहीं पाई जाती हैं। इसलिए अब क्या होता है कि ये सब तेलचट्टा वगैरह जो भी कुछ होता है, जितने भी कीड़े फतिंगे हैं, सीप देखे होंगे, सीप का मोती सुने होंगे, ठीक, शंख वगैरह देखे होंगे, घोंगा होंगा, ठीक, ये सब में क्या होता है कि इन सब का ब्लड कहाँ रहता है, अंदर रहता है। तो इन सब कैसे हैं, ये सब ओपन वाले हैं, तो ओपन वाले हैं कि इसमें पूरे तरीके से जो ब्लड भरा हुआ है उसके चलने के लिए, ब्लड फ्लो करने के लिए कोई स्पेशल पाइप वेसल नहीं लगा हुआ है, आराम से जाएगा, आराम से आएगा। और ऊपरी हिस्सा इन लोग का बहुत हार्ड होता है जो कि बोन का बना रहता है, तो इनको बोला जाता है ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब हम लोग के अंदर ब्लड फ्लो करने के लिए अलग अलग अंगों में अलग अलग तरीके से ब्लड फ्लो कराना है, ठीक, तो हम लोगों को क्या कहा जाता है, क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, क्योंकि नस से शुरू हुआ, घूम फिर के नसों में रह रहा था, क्लोज्ड हो गया, ठीक। मिक्स में आता है, तो मिक्स में क्या आ गया कि जैसे आप देख लिए मछली, देख लीजिए मेढक, देख लीजिए मेढक में क्या आता है कि पानी में रह लेता है, वो रह लेता है, तो अब मछली में देखेंगे ना, तो जितना भी अगर मछली को, तो मछली के आगे वाले हिस्से में बिल्कुल एक गैलन की तरह भरा हुआ रहेगा ब्लड, लेकिन पीछे मछली के पोंछ में उसमें वेसल्स पाई जाती हैं, वाहिकाएं पाई जाती हैं, उसमें नस पाई जाती है जिसमें ब्लड जो है फ्लो करता है। तो मछली के पूंछ में ब्लड है, सॉरी, मछली के पूंछ में नस है जिसमें ब्लड फ्लो करेगा, लेकिन लक्ष्मी मछली के पेट में नहीं है, निकल जाता, ठीक है। तो अब इसके एग्जाम्पल के लिए क्या निकलेंगे, मछली, हाँ चलो फिश, क्या निकाल लेंगे, मछली और फ्रॉग, ये दोनों के दोनों मिक्स ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में आते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या हुआ, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में जितना भी इंसेक्ट है, कॉकरोच है, ठीक है, कॉकरोच हो गया, उसके बाद आपको सीप हो गया, घोंगा वोंगा हो गया, ये सब किस में आएंगे, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में। क्लोज में ह्यूमन आ गया, मैमल्स आ गए, जितने भी मैमल्स आते हैं क्लोज ही उसी में आते हैं, ठीक है, मैमल्स में सब आ जाते हैं, मैमल्स में, जानवर में भी तो वही है, ठीक, जानवर में भी वही है, गाय भैंस ये सब जितने हैं उन सब में भी क्लोज ही है। उसके बाद आता है आपका मिक्स, मिक्स में क्या, दो एग्जांपल याद रखिएगा, मछली और मेढक याद रहेगा। अब लोग समझते हैं ह्यूमन में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, समझिए, पहले आर्टरी समझते हैं। आर्टरीज को हिंदी में धमनी कहते हैं, अब ये नाम है धमनी, आर्टरीज, पॉजिटिव वाले को ए ग्रेड मिलता है, नेगेटिव वाले को माइनस मिलता है, ठीक है, तो ए मतलब कि ए ग्रेड वाला आदमी अच्छा आदमी है, ठीक, तो इसमें पूरा ब्लड कौन सा फ्लो करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब इसमें क्या करता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करेगा, मतलब कि ये ऑक्सीजन से भरा हुआ रहेगा, ये कैसा ब्लड रहता है, तो शुद्ध ब्लड रहता है, कैसा रहता है, ये शुद्ध ब्लड। अब ये फ्लो किधर से किधर करता है, तो समझिए ये हार्ट से बॉडी की तरफ करता है, कहाँ से ब्लड लिया गया, बॉडी, ये बॉडी रहेगा, सुधार लीजिए, ठीक, हार्ट से कहाँ फ्लो करता है, बॉडी की तरफ, हार्ट से बॉडी की तरफ फ्लो करता है। हार्ट से जब पंप करेगा तो हार्ट के पास पंपिंग सेट है, ठीक, पंपिंग मशीन है, अब वो पंप करेगा तो बहुत तेज़ी से ब्लड वहाँ जाता है, तो तेज़ी से जाएगा तो जिस पाइप में फ्लो कर रहा है, जिस नस में, वो नस कैसा होना चाहिए, मोटा और मजबूत होना चाहिए, नहीं तो नस फट जाएगी, क्लियर हो रहा है। अब वो नस जब फट जाएगी तो इंसान वहीं मर जाएगा, तो भगवान इतना चलाक आदमी कहीं मिला है नहीं, भगवान बहुत चलाक था, वो सोच लिया कि ये आदमी आगे जाके दरिद्र होगा, तो बहुत सोच समझ के बनाया था। देखिए, तो हार्ट से सीधा पंप क्या करेगा, बॉडी की तरफ, तो हार्ट से फ्लो करता है बॉडी की तरफ कौन सा नस, आर्टरीज, उसका क्या नाम है, आर्टरीज, तो आर्टरीज जो है हार्ट से बॉडी की तरफ जाता है, प्रेशर, इसका प्रेशर कितना रहता है, 120,
ठीक 120 के आसपास रहता है, और ये जो रहता है ये नो बॉल्स, मतलब कि ये ऊपर नहीं रहेगा, चमड़ी के ऊपर ऊपर नहीं रहता है, चमड़ी के ऊपर देखेंगे कहीं कट पुट जाता है तो खून निकलने लगता है, तो खून तो उसी में से निकलता होगा। ठीक, अब खून क्या निकलता है, तो मतलब कि इन सभी जगहों पर नसें गई हुई हैं तभी ना उसमें से खून निकल रहा है, कहीं कट गया, कहीं खुरचा गया, तभी ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। तो मतलब कि वहाँ पतली पतली नसें गई हुई हैं, तो पतली पतली नसों में से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। तो अब यहाँ पे आ रहा है कि जो आप, अब ये गहराई में है, इसका मतलब क्या है, तो जैसे देखेंगे हम लोग के गर्दन के पास दो नसें हैं, ये एक ये होगा और एक ये, तो देखेंगे जो मुर्गा वर्गा सब काटते हैं तो सबसे पहले यही दोनों नस काटते हैं सब। ठीक, ये हो गया, और हाथ में देखेंगे तो जब इस तरह करेंगे तो देखिए बड़ा मोटा मोटा ये नस दिखाई दे रही है। ठीक, यही आर्टरीज है, हार्ड, बहुत हार्ड होता है ये। ठीक है, यही आर्टरीज है, इसी में जो ब्लड है आपका 120 के रफ्तार से, अरे चाय नहीं पिया ना तब से ऐसे चल रहा है, अरे बोला कुछ निकले कुछ ठीक है, मछली को लक्ष्मी बोला जाएगा ला दे। ठीक, तो ये क्या है, ये आपका आर्टरीज है, लेकिन जो हरा हरा जो नीला नीला दिखाई देता है ना वो आर्टरीज नहीं है। तो ये अगर कोई नस वगैरह काटता है ये तो डरना नहीं है, वो किचकिचाओ कि जब काटेगा नहीं से ठीक तब जाके कटेगा आर्टरीज, और जब आर्टरीज कट गया तो कोई टेंशन नहीं लेना, जहाँ से आया है वहीं पर कुछ देर में वो रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, पूरे बॉडी में कितना लीटर ब्लड होता है बताए थे कल हम, 5 से 6 लीटर के आसपास में पाया जाता है। फीमेल में ब्लड की मात्रा कम होती है क्योंकि उनमें होमोग्लोबिन और आयरन की कमी रहती है। ठीक है, भगवान हर चीज़ कम दिया है, अब समझिए। अब इसमें कौन सा ब्लड फ्लो करता है, ऑक्सीजनेटेड, इसका रंग कैसा होता है, लाल, और ये कैसा होता है, मोटा, तो मोटा नहीं है, ठीक है ना, ठीक, तो मोटा भी है। अब कह रहा है कि इसमें एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन का मतलब ये है, इसको समझ के ना समझना, इसको एक्सेप्शन कहा जाता है, यहीं पे कन्फ्यूजन होता है। एक्सेप्शन का मतलब ये है, इसको समझ के ना समझना, मतलब जरा समझिए। अब लोग कहते हैं कि ये जितने भी है तो इसको एक्सेप्शन अपवाद में डाल दिया गया, लेकिन अपवाद है नहीं, ये आपके समझ की कमी है। इसको कहा जाता है पुलमनरी आर्टरीज, अब इसको पुलमनरी फुसफुस धमनी कहते हैं, तो लोग कहते हैं कि फुसफुस धमनी में ऑक्सीजन रहबे नहीं करता है, पुलमनरी में, पुलमनरी वेंस में, पुलमनरी में जहाँ आ जाता है तो पुलमनरी में ऑक्सीजन रहबे नहीं करता है, ऑक्सीजन नहीं रहता है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि आर्टरीज में टोटल का टोटल शुद्ध ब्लड रहेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा, तो पुलमनरी में तुम्हारा पुलमनरी आर्टरीज में कह रहा क्या नहीं रहता है, ऑक्सीजन नहीं रहता है, कहाँ रहता है, CO2 रहता है, डीऑक्सीजनेट रहता है पुलमनरी में। ठीक, अभी कैसे हो गया, आर्टरीज है, आर्टरीज में शुद्ध ब्लड रहता है, तो बाबू जरा समझो ध्यान से, पूरे बॉडी से ब्लड पहले लेकर आराम से कहाँ जाएगा, हार्ट में, जब हार्टवा पंप करेगा तो पंपवा के बगलिया में जो नसवा लगना चाहिए मोटा लगना चाहिए ना, आर्टरीज लगना चाहिए ना, वो दोबारा पंप करके भेजता कहाँ है, फेफड़ा में, ताकि जाए वहाँ से ऑक्सीजन वो ले आए, बात समझ आ रहा है, क्लियर हुआ। अब ऑक्सीजन वहाँ से ले लिया तो ऑक्सीजन लेके फिर कहाँ जाएगा, हार्ट में, फिर दोबारा पंप होगा, क्योंकि आपको बताए थे कि गंदा ब्लड एक बार पूरे बॉडी से इकट्ठा होकर आएगा हार्ट में, गंदा है डीऑक्सीजनेटेड है, तो जो इकट्ठा होकर लेकर आ रहा है तो आर्टरीज का उल्टा कर दीजिए, पूरा वेंस है, क्लियर हुआ। ठीक, अब पूरा वेंस है तो इकट्ठा करके लाया, आराम से हार्ट में डाल दिया, तो डीऑक्सीजनेटेड है, अब डीऑक्सीजनेटेड है तो पंप किया तो कहाँ चला गया वो, फिर लंग्स में गया और घूम कर ऑक्सीजनेटेड होकर फिर कहाँ चला आया, हार्ट में। तो जब फेफड़ा से हार्ट में आ रहा है तो शुद्ध तो हो चुका है, वो पुलमनरी वेंस आर्टरीज के द्वारा आ रहा है, क्लियर है, तो इसमें भी शुद्ध है लेकिन वो फेफड़ा से जुड़ा हुआ है तो कहाँ से आ रहा हो, पुलमनरी आर्टरीज के द्वारा आ रहा है। अब पंपवा किया था तो पतला नसों रहेगा तो ही फट जाएगा,
क्लियर हो रहा है? इसीलिए इसमें कॉन्सेप्ट की कमी है, एक्सेप्शन नहीं है। क्लियर हो गया? अब इसको समझते हैं बेंस, इसी का उल्टा कर दीजिए। बेंस कहाँ से चलता है? तो सीरा इसको हिंदी में कहते हैं। ये बॉडी से हार्ट की तरफ फॉलो करता है। कहाँ फॉलो करता है? बॉडी से हार्ट की तरफ। इसका प्रेशर कैसा रहता है? 80। अब इसको प्रेशर चाहिए क्या? चाहिए नहीं। अब इसकी नसें जो होती हैं इसमें क्या लगे रहते हैं? वॉल्व लगे रहते हैं। क्या लगे रहते हैं? वॉल्व लगे रहते हैं। अब ये वॉल्व क्या करते हैं कि मान लीजिए ब्लड पूरे शरीर से इकट्ठा होकर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, अशुद्ध ब्लड रहते हैं पूरे बॉडी से इकट्ठा होकर, और हमारे कहाँ जाके इकट्ठा होगा? हार्ट में। अब हार्ट में इकट्ठा होगा तो अब पूरे नस में आ रहा है। तो मान लो कि कहीं कोई दिक्कत हो गया तो भगवान सोचे कि मान लो आदमी जाके आ गए, दलिद्र बनना ही है, ठीक। तो नीचे से जब ऊपर जाएगा तो मान लो ब्लड ऊपर फ्लो कर रहा है, ठीक, और कहीं प्रेशरवा कम हो गया तो नीचे लौट जाएगा। तो ब्लडवा ऊपर जाता है, कोनो दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन जैसे ही ब्लड अगर नीचे आना चाहेगा तो लही तुरंत बंद हो जाएगा, जहाँ हो रुक जाओ, ठीक है। तो ये क्या करता है कि ब्लड को वापस आने नहीं देता, उसको बल्ब बोलते हैं। लेकिन ये चीज़ आर्टरीज में नहीं होता है, आर्टरीज बिल्कुल साफ पाइप होता है, क्या को प्रेशर के साथ रहता है। अगर प्रेशर इतना तेज है कहीं रहेगा तो उखड़ उखड़ जाएगा वहीं में। क्लियर है? ठीक, क्योंकि इतना प्रेशर मारेगा उसको रिटर्न आने का सवाल ही नहीं उठता है, ठीक है ना? ठीक है, ठीक। तो इसमें क्या पाया जाता है? वॉल्व। किस में पाया जाता है? वेंस में। किसे पाया जाता है? वेंस में, सीरा में पाया जाता है। क्लियर है? इसका अब ये कैसा रहता है? त्वचा के नीचे, इसी को वॉल्व कहते हैं। त्वचा के नीचे का मतलब, तुमको नीला नीला नस देखो ना जी, हाँ, ग्रीन वाला, नीला वाला, हरा वाला, जो भी कहते हो, है ना, तो उस वही है तुम्हारा वेंस। उसको काटोगे तो कोई फर्क वर्क नहीं पड़ेगा, जिंदा बच जाओगे। कौन टेंशन की बात, समय से डॉक्टर के पास गए तो बच जाओगे, ठीक है। तो कोई अगर कह दिया कि तुम नहीं आए तो हम जा रहे हैं अपने हाथों की नस काट लेने, तो कहना काट लो, कौन बात नहीं है, हम दूसरी को बच जा रहे हैं, और का देखो तो आप इसके का इस तुरंत त्वचा के, और का तुम नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही, ठीक। देखो तो यानी अब वो सब बहुत चलाक होते हैं, सब थोड़ा सा करते खून देखते बेहोशी छा जाता है, चमड़े चिल्लाते ही। तो ऐसा कुछ पता नहीं है, हम मनाना तो एकदम नहीं है जीवन में, हम आज तक नहीं मनाया है, ठीक। आराम से पढ़े पढ़े रहो, ठीक ना। देखिए अब इसके बाद ही कैसा होता है? नीला होता है, नील नहीं, नीला ये कैसा रहता है? पतला और नीला रहता है, ठीक है। इसमें कौन सा ब्लड दौड़ता है? CO2 के साथ, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें फ्लो करता है। अब इसमें भी अपवाद है कि सीरा में पुलमुंडरी में शुद्ध ब्लड दौड़ता है, यहाँ पे अपवाद है कि यहाँ पे अशुद्ध दौड़ता है। तो कारण है ना भाई, इसके पास भी कारण है, ठीक। कहा कि ये क्या करता है, अब समझो, पूरे बॉडी से इकट्ठा किया ब्लड कौन? वेन। ले जाके कहाँ डाल दिया? हार्ट में। और जब पंपवा करेगा तो पंपिंग मशीनिया के पास मोटा पाइप चाहिए, आर्टरी चाहिए जो नसों फटे नहीं, अब पहुँचा दे फेफड़ा में, अब फेफड़ा में पहुँचाया, लंग्स में पहुँचाया, वहाँ से साफ सुथरा होके फिर आराम से चलाया वेन्स के थ्रू, तो में शुद्ध ब्लड होता है, पुलमुंडरी वेन में शुद्ध ब्लड होता है। फिर हम बता रहे, एग्जाम में आएगा, टिक नहीं मारना, ठीक। आ पुलमुंडरी आर्टरीज में अशुद्ध होता है, ठीक। अब वो आया आराम से आया, फिर मारा हचाक से पंप, और तुरंत पहुंच गया पूरे बॉडी में। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत परेशानी? तो आर्टरीज में कौन सा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड। चला दे दो चार गो। आर्टरीज में कौन सा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड। पुलमुंडरी आर्टरीज में? वेंस में? डीऑक्सीजनेटेड। पुलमुंडरी वेंस में? क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी? अब हम लोग समझेंगे कि कैसे अब हर कैसे फेफड़े से हार्ट में कैसे क्या जाता है, उसका समझेंगे हम लोग। पहले इसको एक बार नोट कर लीजिए।